हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से आप काइन मास्टर ऐप के थ्रू अपनी वीडियो की एक अच्छी सी बैकग्राउंड को सेट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, वीडियो की अगर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो व्यूवर्स को जो है मज़ा आएगा वीडियो को देखने में। और दोस्तों, यूट्यूब पर ऐसी ढेरों वीडियो भरी पड़ी हैं जिसमें आपको बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बताएंगे, बट दोस्तों उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई हो जाती है, या तो बैकग्राउंड जो है ग्रीनिश होना चाहिए या ब्लूइश होना चाहिए, कुछ इस तरह के जो है वो बातें करते हैं। अगर दोस्तों आपके पास ये कुछ भी साधन नहीं है तो आप इसको बड़े इजीली किसी भी तरह की बैकग्राउंड में आप उसको इमेज को लगा सकते हो। कैसी भी वीडियो की बैकग्राउंड हो, आप किसी भी इमेज को जो है इजीली जो है उसमें सेट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में यही हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइस, सिंपली से आपको जो है काइन मास्टर को ओपन करना है, और इस तरह से आपको गैलरी में जाके जो भी आपकी बैकग्राउंड है उसको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद जो है फ्रेंड्स, इसको जो है आपको जूम करके और स्क्रीन को फिल कर लेना है। ये पूरी स्क्रीन पर आना चाहिए, देखिए इस तरह से। और फिर फ्रेंड्स, बीच में जो आपको आइकन दिख रहा है ये स्प्लिट स्क्रीन का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद इसको लेफ्ट साइड आपको सेलेक्ट कर लेना है। लेफ्ट साइड सेलेक्ट करके आप इसको स्क्रॉल करके जो है आप इसको प्लेस कर दीजिएगा एकदम से राइट पोजीशन में। और राइट पोजीशन में प्लेस करने के बाद फ्रेंड्स, इसको ओके करके छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अगेन आपको फिर से जो है आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में जाके फिर से जो है उसी बैकग्राउंड को चूज़ करना है। अगेन इसको भी जो है राइट साइड में आपको प्लेस करना है। जूम फिल कर लेना है स्क्रीन को उसी तरह से जैसे हमने लेफ्ट साइड में किया था। जूम फिल करने के बाद फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल जो है ऐसे इस तरह से सेलेक्ट कर देना है, सेट कर देना है स्क्रीन के ऊपर पूरा जो है ये आ जाए। उसके बाद हमें फिर से जो है स्प्लिट स्क्रीन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस बार हमको जो है राइट साइड में चूज़ करना है राइट साइड वाली स्क्रीन को, और बिल्कुल राइट पोजीशन में जो है इसको प्लेस कर देना है, देखिए इस तरह से। और दोस्तों, जब ये राइट साइड में प्लेस हो जाएगा उसके बाद आपका जो है ये बैकग्राउंड को आपको जो है स्क्रॉल करके पूरे वीडियो पे जो है इसको अप्लाई कर देना है दोनों को, क्योंकि दोस्तों एक लेफ्ट साइड का है एक राइट साइड का है। इसमें थोड़ा सा आपका काम लगता है, थोड़ा बढ़ जाएगा, बट दोस्तों बिल्कुल जो है ये रियल लग रहा है। देखिए पूरा जो है जैसे आपने पूरा एकदम से लगाया हो बैकग्राउंड में, जो है बिल्कुल भी ये पता नहीं चल पा रहा कि आपने टू पार्ट्स में इसको जो है डिवाइड करके जो है लगाया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है। तो इस तरह से आप किसी भी बैकग्राउंड को जो है सेलेक्ट करके आप चूज़ करके जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। और वीडियो देखिए कितना जो है अच्छा इसका जो है बैकग्राउंड लगने लगा है अभी। तो इसी तरह से आप कोई भी अपना फेवरेट जो है बैकग्राउंड इमेजेस को अपना इसमें अप्लाई कर सकते हो इसी तरह से। क्योंकि दोस्तों, जो दूसरा तरीका और जो यूट्यूबर ने बता रहा हुआ है उसमें ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करना है। ग्रीन स्क्रीन अगर मान लिया नहीं हो किसी के पास, तो फ्रेंड्स ये सबसे सिंपल तरीका है, सबसे सिंपल मेथड है कि आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, ये था बहुत छोटा सा एक वीडियो है, और आपका जो काम है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। इसमें आपको बैकग्राउंड में इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और फ्रेंड्स, ये मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, तो इसलिए दोस्तों मैंने इस पर एक वीडियो छोटा सा बना दिया, क्योंकि ये एक यूज़फुल फीचर है। और देखिए, बैकग्राउंड के बिना जो है वीडियो अधूरी रहती है, तो इसलिए जो है आप लोगों इसका फ़ायदा उठाए। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहता है अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाने का, और आपको भी पता लगता रहेगा टाइमली कि जो वीडियो आएगी तो आपको जो है नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से जो है ये था आज का वीडियो, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।